अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। और आपको थंबनेल से पता तो चल गया होगा कि आज के व्लॉग में क्या होने वाला है। अच्छा, लेकिन इसमें स्पेशल चीज ये है कि मैं पिंडी में, सबको पता है कि किधर से पासपोर्ट बनता है, लेकिन मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ जहाँ से पासपोर्ट बनता है, वो किसी को नहीं पता होगी, तो वो व्लॉग में आप देख सकते हैं। क्या तुम लोगों को स्पेशल जगह दिखाने लेके जा रहा हूँ जहाँ से पासपोर्ट बनता है, एक और जगह है जहाँ पिंडी में पासपोर्ट बन जाता है। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, क्योंकि बिल्कुल 1K के मैं करीब करीब पहुँच गया हूँ, तो मेरा 1K करा दो यार, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, रेड बटन आ रहा है उसको दबा दो। फिलहाल मैं तो वेट कर रहा हूँ अपने जिगरी यार उसामा का, उसने मेरे साथ जाना है पासपोर्ट बनाने, तो उसको मैंने साथ लेके जाना है, और इन राहों पे मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ कि जल्दी से वो आए फिर हम निकलें, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। 7:30 का भी टाइम है, लेकिन हमने फिर भी लेट हो जाना, उधर बहुत रश है, सारी दुनिया बाहर भागने के चक्करों में। और उसामा भाई ने भी एंट्री मार दी है, अब हम जा रहे हैं पासपोर्ट बनाने। उसामा भाई रेडी हैं आप? वैसे बहुत लेट हो गए हैं। उसामा भाई आप तो ऐसे तैयार होकर आए जैसे हम बाहर जा रहे हैं पासपोर्ट बनाने नहीं जा रहे। अभी रुकना पाकिस्तान में हमने। उसामा भाई गाड़ी आप चलाएंगे या मैं चलाऊं? आप चलाएंगे। आप चला लें तो अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात मुझे करनी नहीं है यार, हर जगह मैं चलाता हूँ, आप चलाएं। नहीं, मैं बुरा आदमी हूँ भाई, दफा हो जाओ फिर, अलग अलग तुम्हारा पासपोर्ट ही ना बने। आमीन। बैठे बैठे उसामा भाई, पहली बहुत ठंड है, जल्दी करें जाए, पहले लेट हो गए, उधर रश लगा होना है, दुनिया आई हुई है पासपोर्ट बनाने आजकल। आज पैसा चलाएंगे? पैसा नहीं चलता, चलता है फिर। सामा भाई सर्दी में आए और उनके हाथ बिल्कुल जो है ठंडे हो चुके हैं। सामा भाई पासपोर्ट बना के आप कहाँ जाएंगे, कौन से मुल्क जाएंगे? सरप्राइज है। जैसे ये मेरा भी सरप्राइज है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, अभी किसी को नहीं बताऊँगा मैं। ऑफिस की पार्किंग में तो हम पहुँच चुके हैं और गाड़ी हमने अपनी पार्क कर दी है। गाड़ियों के लिहाज से लग तो रहा सामा भी अंदर बहुत आवाम आई होनी है, क्या कहते हैं आप? रश से मुझे ना बैड सीन लग रहा है बहुत, मुझे लगता है आज हमने हाल ही आती इधर से जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है इधर। या ये कुछ चीज़ें लाजमी हैं जो आपने करानी होती हैं, और ये इसका क्या प्रोसीजर है ये वीडियो के मैं एंड में बताऊँगा कि आपने पेमेंट इसकी कैसे करनी है और कहाँ करनी होती है। ये रसीद लेकिन लाजमी होती है आपको इधर। तो भाई जान, ये जगह है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस बेकरी चौक, इधर से आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं। ओए होए होए, ये क्या है? अंदर तो हालात बहुत ही ख़राब है, ये आज के दिन ही सामने भी सारे पासपोर्ट बनाने आए हैं। ये जी टोकन की लाइन है वो आगे से शुरू हो रही है, वो आगे से घूमती 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 ये हमारे सामने भी खड़े हैं। अभी हमारा काफ़ी लंबा टाइम है इधर ही। वो अंकल ऐलान कर रहे हैं जी, जिनको अभी तक टोकन नहीं मिले वो लोग घर जा सकते हैं, क्योंकि दिन के सिर्फ 600 काम करते नहीं है, इनको 7,500 रुपए दे और ये लोग 500 टोकन मिले। 600 टिकट जो है वो सिर्फ दिन के दिए जाते हैं, और 600 टिकट दे दिए गए, इसलिए अभी हम सोच रहे हैं कि हम चले जाएं। A few moments later. सीन कुछ ऐसे है कि हमने बंदा ढूंढ लिया है जो हमारा काम करवा देगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हमने सोचा कि हम जाके ना नाश्ता वगैरह कर लें सुकून से। सामा भाई क्या खाएंगे आप? चाय पीनी है तो क्या ही खाना? मैं तो पराठा अंडा खाऊंगा, अपना फेवरेट। बोला मैंने एक पराठा, एक अंडा, 2 कप चाय। एक पराठा मेरा भी। तुम तो कह रहे थे सिर्फ चाय पीनी है, पराठे के साथ चाय पीऊंगा। हाँ जी सामा भाई, आप क्या प्लान है? हम जाएंगे नासिर भाई की गन को छुएंगे। नासिर भाई हमारे एजेंट है, अल्लाह करे वो काम करा दे, वरना हमारा दिन सारा ज़ाया हो जाएगा। नाश्ता भी अब हमने कर लिया। सामा भाई और मैं सुमीत के साथ इधर खड़े हुए हैं कि जल्दी हमारा काम होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें कोई असरात दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि नासिर साहब यहाँ से गायब हो गए हैं। फाइनली हमारा टोकन लग कर आ गया, अब हम अंदर जा रहे हैं, हमारा इंतज़ार जो है वो ख़त्म हुआ है। सुबह 8 बजे आप आ जाएं, मैं आपको टोकन दिलवा देता हूँ, अदरवाइज जितना आप बहस करती जाएंगे हमारी तरफ से आप 2 बजे तक खड़ी रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन भाजी दराज बहुत है, ये इधर सुबह सुबह वाली गेम है कि आप अर्ली मॉर्निंग आओ, आपकी तरह नहीं कि लेट उठो आराम से आओ और कहें जी आओ जी पासपोर्ट ले जाओ। जितना ये बाहर रश है ना उसकी तरह उतना ही अंदर भी रश है, तो हमने अभी अंदर जाना, अभी तो हम बाहर ही खड़े हुए अपना टोकन ले कर। अंदर आ तो गए लेकिन अंदर के हालात कुछ और ही ख़राब है, क्या कहते हैं सामा भाई, आधा काम हो गया हमारा, महीना ख़राब हो गया, लेकिन चीज़ जल्दी मिली। मेरा तो पासपोर्ट का काम हो गया, मैं वो सामा का वेट कर रहा हूँ, सामा भी आ गया है और हमने पासपोर्ट अपना बनने के लिए दे दिया है। नहीं दिया है, फर्जी चाहिए।
फांसी चाहिए है शेर आप अब तो तुम्हें नादरा जाना पड़ेगा। मेरा तो काम ओके हो गया है, सामा का काम ओके नहीं हो पा रहा अभी तक। अब इसकी एफआरसी निकाल के हम देंगे, सबमिट कराएंगे, उसके बाद ही कुछ होगा। यार सामा में इतनी बैड लग क्यों चाह रही है आपकी? मेरा का काम आसानी से कभी हुआ है? आपकी वजह से ना मुझे भी जलालत उठानी पड़ रही है भाई, बस क्या करें। लेकिन फाइनली ये है कि मेरा अपना जो है वो ओके हो गया है। सामा अब एफ आर सी जमा कराने जा रहे हैं, अल्लाह करे इसका काम हो जाए। बेस्ट ऑफ लक सामा, अगर अपना हुआ तो मैं सारा कुछ वापसी है। एक बार फिर सामा भाई का कम बैक हुआ, इस बार मेरे यहाँ से खुशियों के साथ ही हुआ। हो गया सामा भाई आपका? इस दफा कहता तो आपने भी मेरे कागजात दे और तू इस सीट छोड़ मैं बैठूँ। इसका प्रोसीजर क्या है सारा कुछ पासपोर्ट इधर से बनवाने का, वो मैं आपको गाड़ी में जाके सुकून से बताता हूँ क्या क्या करना पड़ता है डिजिटल पासपोर्ट ऑफिस से पासपोर्ट बनवाने के लिए। सामा भाई ने गाड़ी चलाया मैं चलाता हूँ ना, तुम्हारे पे आसान कर दो, गाड़ी मेरे पास ना डालो यार, गाड़ी चला लो। ऐसे लोग होते हैं टाइम के वक्त ना फिर काम नहीं आते। टाइम के वक्त कहना क्या चाहते हो? तो चला ले गाड़ी यार, मैं थक गया हूं। I hate you. यार सीन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना पासपोर्ट जो है बनने के लिए दे दिया है और जब हम आए थे हमारे टोकन नंबर खत्म हो चुके थे, लेकिन हमने एक्स्ट्रा पैसे दे के कहीं से टोकन अरेंज कर ही लिया नासिर भाई से, और उन्होंने हमें टोकन दिया, फिर हम अंदर जाके अपना पासपोर्ट वाला काम इजीली कराए हैं सुकून से। इधर आने का मकसद क्या है वो मैं आपको बताऊं तो वो मकसद ये है कि जिनका सिटी वगैरह जो नहीं होती इधर की रावलपिंडी के नहीं है, वो रीजनल ऑफिस से ना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है मैं सामान को बताता हूँ, क्योंकि इसका कोयटा का एड्रेस है तो इसलिए हम इस ऑफिस में आए थे, वरना हम दूसरे जो सिक्स रोड पे ऑफिस है उधर से भी जाके हम पासपोर्ट बना लेते। सामा भाई क्या क्या चाहिए होता है बताएं ज़रा। शेरी भाई सबसे पहले तो जो चाहिए होता है ना वो होता है बहुत सफर और टाइम। और टाइम ये बड़ी अच्छी बात कही आप, लेकिन नासिर भाई जैसे बंदे जब हो तो टाइम बस आपको एक दो घंटे ही निकालना है और आपका काम हो जाएगा। नहीं डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपसे बताया ना, जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए आते हैं वो तो पता ही है, आँख वाली तो बहुत लेवल की है। हाँ ये तो है। डॉक्यूमेंट बताया इस तरह से है कि मेरा एक आईडी कार्ड पे एड्रेस है रावलपिंडी का और एक एड्रेस है मेरा कोयटा बलूचिस्तान का। यहाँ पर भी कुछ अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ, उन्होंने पहले मैंने कागज जमा कराए उनके पास जाके जी असिस्टेंट ऑफिसर के पास, तो उन्होंने मुझे कहा कि वाले साहब का आईडी कार्ड दें। मैंने कहा वाले साहब तो है ही नहीं मेरे, कहते हैं बड़े भाई का लगाएं। तो फिर मैं गया भागता भागता बाहर से प्रिंट करवाया भाई का आईडी कार्ड लगवाया, फिर उनको याद आया कि एफआरसी भी होती है एक चीज़, उन्होंने कहा कि आपकी तो नादरा से एफआरसी निकालनी पड़ेगी। फिर आपके भाई के पास एफआरसी पहले से मौजूद थी, मुँह बंद किया उनका और गया एफआरसी की भी कॉपी लेके आया, वो भी जमा कराई और फिर जहाँ कहीं मेरे सबमिट हुआ पासपोर्ट का जो सारा प्रोसीजर। चलो ये तो गुड है, बस बेसिकली अगर आप इधर के नहीं है तो आपको आपका आईडी कार्ड आपकी मदर के आईडी कार्ड की कॉपी और एफआरसी की कॉपी जो है या वालिद की जो भी हो वो आपके साथ अटैच होना लाजमी है, फिर आपका पासपोर्ट यहाँ से बन जाता है। और हम पहुँच गए अपने क्या कहते थे वर्क प्लेस पे सामा भाई, और अभी हम इधर करेंगे जरा थोड़ा रेस्ट और फिर देखते हैं कोई प्लान है तो कुछ करते हैं, वरना ब्लॉग खत्म करते हैं। 10 seconds later. सीन तो फिलहाल मुझे कुछ भी नहीं लग रहा, तो इसलिए आज के ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।